नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने एक बड़े मुद्दे को लेकर सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही जिस तरीके से राजस्थान के हर बड़े अपडेट को लेकर हम आपसे जुड़े हुए हैं, उसमें अब एक जो है बड़ी खबर जुड़ गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो है एक दावे को लेकर सियासी घमासान तेज़ होने लगा है। इसमें सचिन पायलट खेमे पर आरोप को दोहराया कि 2020 में हुई बगावत के दौरान इन विधायकों ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए थे, वह पैसा अमित शाह को लौटाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वसुंधरा राजे की वजह से उस समय उनकी सरकार बची थी। हालांकि गहलोत के दावे पर वसुंधरा राजे ने पलटवार जो है वो कर दिया है और वसुंधरा राजे जो पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे पर जो है उनके दावों को गलत ठहरा रही है। तो इस समय अशोक गहलोत के दावे पर घमासान तेज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने धौलपुर में एक सभा के दौरान चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, शोभा रानी और कैलाश मेघवाल को पता था कि 2020 में उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे हैं, जिसको लेकर के अब जो है पूरी तरीके से वो खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर और भी ज़्यादा मामला जो गहराता चला जा रहा है। अशोक गहलोत के इस बड़े दावे के बाद सचिन पायलट का खेमा पूरी तरीके से नाराज़ है और माना यह जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मुद्दे पर सियासत और भी ज़्यादा गर्मा सकती है। फिलहाल इस समय सचिन पायलट खेमे के विधायकों के द्वारा अब तक पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तय है कि मामला गंभीर है। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हाईकमान को भी कहीं ना कहीं इसमें जो है हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। फिलहाल अब देखते हैं कि इस पर सचिन पायलट खेमा किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।